अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम एस एन मैथमेटिशन यूट्यूब चैनल। डियर, जैसे कि आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चन नंबर 18 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर उन वीडियो का लिंक आप देखना चाहते हैं, उनका उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और यहाँ पे आई बटन पर भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर की मैं बात करूँ तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 को कंप्लीट सॉल्व करूँगा। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल के बटन को भी प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। वाई इज इक्वल टू 5x माइनस 3x के लिए उसने आपको फंक्शन दिया और ये x इज इक्वल टू 1, आप उसको ने उसके ने जो आपको एक सिंगल पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। कहता है किसी सिंगल पॉइंट को यूज करते हो आपने इन क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने स्लोप फाइंड आउट करनी है। कोई इसमें जो है टेंजेंट लाइन फाइंड आउट नहीं करनी, कोई भी जो है ग्राफ स्केच या ड्रा नहीं करना। इन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप फाइंड करने का फार्मूला पहले भी आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ। यहाँ पे जो है वो आपके पास सिंगल एक पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट्स होते तो फिर आपने करना था, एक को एक्स नॉट का नाम देना था, दूसरे को वाई नॉट का नाम देना था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक ही पॉइंट है, इसी पॉइंट को जो है वो फॉर्म जो है फार्मूला के अंदर पुट करेंगे और यहाँ पे जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं कि स्लोप का फार्मूला आपके पास होता है जी, लिमिट आपके पास एच अप्रोचेज टू जीरो एफ इंटू एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ इंटू एक्स नॉट ओवर एच। ये बेसिकली आपके पास जो है वो फार्मूला होता है स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक्स नॉट या वाई नॉट मौजूद नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक्स है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम फार्मूले में भी जो है वो एक्स नॉट की बजाय सिर्फ एक्स लेंगे। यहाँ पे भी एक्स नॉट की बजाय जस्ट हम एक्स लेंगे, फिर जो है वो हम इन्हीं की वैल्यूज फाइंड आउट करके जो है वो इस फार्मूले में पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो स्टेप वन की बात करते हैं। स्टेप वन आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, ये आपके पास है जी बेसिकली एफ इंटू एक्स प्लस एच, ये आपके पास बेसिकली स्टेप वन है। यानी कि ये बेसिकली एफ इंटू एक्स प्लस जो एच है, एक्स प्लस एच आपने इस फंक्शन में एक्स की जगह पर पुट करना होता है। तो क्या करेंगे जी, एक्स प्लस एच को जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये पुट करें जी, बन जाएगा जी 5 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एच का स्केयर आ जाएगा। अब देखें जी, यहाँ पे एक्स आपके पास यहाँ पे 1 है, तो 1 यहाँ पे आप लोग पुट कर सकते हैं। तो ये पुट किया जी, ये बन गया जी 1 प्लस एच माइनस 3 इंटू 1 प्लस एच का स्केयर आ जाएगा। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें जी, बनेगा जी 5 प्लस 5 एच माइनस 3 इंटू 1 प्लस एच का स्केयर यहाँ पे ओपन कर देंगे, तो ये बनेगा जी 1 प्लस एच स्केयर प्लस 2 एच आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें जी, इस 3 को जो है अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये बनेगा जी 5 प्लस 5 एच माइनस 3 माइनस 3 एच स्केयर माइनस 6 एच। तो ये जो है वो बेसिकली मजीद सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं, पहले स्केयर वाले लिख लें, माइनस 3 एच स्केयर वाले लिख लें पहले, उसके बाद जो है वो आप लोग ये देखें 5 एच माइनस 6 एच, तो ये आ जाएगा माइनस एच, 5 माइनस 3 ये आ जाएगा जी प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये था बेसिकली आपके पास f इंटू एक्स प्लस एच, जो कि आपके पास स्टेप वन क्लियर हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे। स्टेप नंबर 2 है जी आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू, तो f ऑफ x ये फंक्शन ही आपके पास है, क्योंकि आपने क्या करना है जी बेसिकली f ऑफ x ये y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये फंक्शन ही है। तो इसको एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे 5x माइनस 3x का स्केयर, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आप लोग 1 पुट करेंगे। तो पुट करते हैं तो ये आएगा जी 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्केयर, तो 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2। तो ये जो है हमारे पास स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टोप वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे और जो है हम लोग इसकी जो है वो स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो स्लोप का फार्मूला हमारे पास ये होता है f इंटू एक्स प्लस एच, वो आपके पास ये निकल डायरेक्टली पुट कर देते हैं, माइनस 3 एच का स्केयर माइनस एच प्लस 2 माइनस माइनस एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स आपके पास यहाँ पे 2 है, तो 2 यहाँ पे जो है वो पुट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे एच आ जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा जी आपके पास, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 माइनस 3 एच स्केयर माइनस एच, ये 2 2 के साथ कैंसिल, तो ये बटे में आ जाएगा एच। ऊपर जो है वो आप लोग ईजिली यहाँ से एच कॉमन ले सकते हैं, तो एच अप्रोचेज टू 0 एच इंटू माइनस 3 एच माइनस 1 ओवर एच आ जाएगा, एच एच के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये एच की जगह पे आप लोग जीरो पुट करें, एच अप्रोच जीरो पुट करें, तो ये बनेगा जी 0 माइनस 1, तो ये स्लोप आ जाएगी आपके पास माइनस 1। ये जनम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। यहाँ तक ही हमने इसको सॉल्व करना, स्लोप हमने फाइंड आउट करनी थी, स्लोप हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। उसके बाद देखें जी क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 7 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 उसने आपको दिया हुआ है।
तो ये आज जो है ना वो स्लोप का फार्मूला यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो सबसे पहले वही जो है ना वो बार बार एक ही चीज़ करेंगे, स्टेप नंबर वन की बात करते हैं, यानी कि एफ इंटू एक्स प्लस एच की बात करते हैं। तो एक्स प्लस एच जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे एक्स प्लस एच पुट करेंगे, तो ये बनेगा जी एक्स प्लस एच का क्यूब माइनस टू इंटू ये पुट कर दें एक्स प्लस एच, उसके बाद प्लस सेवन आ जाएगा। अब जो है ना वो फार्मूला आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। तो ये बनेगा जी एक्स का क्यूब प्लस एच का क्यूब प्लस थ्री एक्स एच इंटू एक्स प्लस एच, उसके बाद ये जो है ना वो नीचे लिख लें माइनस टू इंटू एक्स प्लस एच प्लस सेवन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें जी आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये बनेगा जी एक्स की पावर थ्री प्लस एच की पावर थ्री प्लस, यहाँ पे देखें जी क्या बनेगा आपके पास। अगर मैं जो है ना वो पहले यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस टू पुट कर लेता हूँ, या फिर पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये बनेगा जी थ्री एक्स स्क्वायर एच, थ्री एक्स स्क्वायर एच प्लस थ्री एक्स एच स्क्वायर, उसके बाद इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिए, बनेगा जी माइनस टू एक्स माइनस टू एच प्लस सेवन आ जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे एक्स की एक्स है वहाँ वहाँ पे माइनस टू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो माइनस टू पुट करते ही बनेगा जी माइनस टू का क्यूब प्लस एच का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वेयर एच प्लस थ्री इंटू माइनस टू एच स्क्वेयर, माइनस टू इंटू माइनस टू एच प्लस सेवन आ जाएगा। माइनस टू का क्यूब आपके पास होता है माइनस एट प्लस एच क्यूब प्लस थ्री, माइनस टू का स्क्वेयर आपके पास फोर हो जाएगा, तो ये बनेगा जी फोर एच प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस थ्री टू बार सिक्स एच स्क्वेयर प्लस फोर माइनस टू एच प्लस सेवन आ जाएगा। उसके बाद जो ना वो इस फोर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस एट प्लस एच क्यूब प्लस ट्वेल्व एच माइनस सिक्स एच स्क्वेयर प्लस फोर, माइनस सिक्स एच स्क्वेयर प्लस फोर आ जाएगा, माइनस टू एच प्लस सेवन आ जाएगा, माइनस टू एच प्लस सेवन आ जाएगा। उसके बाद जो है ना वो आप लोग क्या करेंगे जी, एच क्यूब वाली सबसे पहले एच क्यूब वाली लिख लेते हैं, एच की पावर थ्री फिर माइनस सिक्स एच स्क्वेयर वाली लिख लें, फिर ट्वेल्व एच में से टू एच निकालेंगे तो ये आ जाएगा जी प्लस टेन एच यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए जी माइनस एट प्लस फोर माइनस फोर, माइनस फोर प्लस सेवन प्लस थ्री यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ गया जी आपके पास स्टेप नंबर वन। इसके बाद स्टेप नंबर टू की बात करते हैं, तो स्टेप नंबर टू है जी आपके पास, हम लोगों हमको चाहिए एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपके पास ये फंक्शन ही है एक्स की पावर थ्री माइनस टू एक्स प्लस सेवन, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे आप लोग माइनस टू पुट करेंगे, तो ये बनेगा जी माइनस टू का क्यूब माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस सेवन आ जाएगा। ये बनेगा जी माइनस एट प्लस फोर प्लस सेवन, तो माइनस एट प्लस फोर माइनस फोर, माइनस फोर प्लस सेवन, तो ये आ जाएगा जी थ्री। तो ये जो है ना आपके पास स्टेप नंबर टू भी क्लियर हो चुका है। अब आप लोग जाना इसकी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप एम इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, सबसे पहले लिखेंगे एफ इंटू एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच हमने ये वाला निकाला है, तो यहाँ पे लिखते हैं जी एच की पावर थ्री माइनस सिक्स एच स्क्वेयर प्लस टेन एच प्लस थ्री, माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स आपके पास थ्री है, तो यहाँ पे लिखें जी माइनस थ्री और बटे में आपके पास एच आ जाएगा, ये थ्री थ्री से कैंसिल। अब यहाँ से देखिए एच आप लोग जो है ना वो कॉमन भी ले सकते हैं, तो मैं अगर जाना हूँ यहाँ से h कॉमन लेता हूँ, तो ये आपके पास बनेगा जी h इंटू एच स्क्वेयर माइनस सिक्स एच प्लस टेन ओवर h, h h के साथ कैंसिल जब होगा तो h अप्रोचेज टू जीरो, जहाँ जहाँ पे h है वहाँ वहाँ पे जीरो पुट करें, तो ये बनेगा जी जीरो माइनस जीरो प्लस टेन, तो ये m आपके पास टेन आ जाएगा। स्लोप इसका आंसर फाइनल जो है ना वो टेन आ चुका। ये था क्वेश्चन नंबर 20, सिंपल था, इजी था। अगर आपको वीडियो का एक पॉइंट भी अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। अपने क्लासमेट्स के साथ जो है ना वो लाजमी शेयर किया कीजिए, क्योंकि अच्छी बात को शेयर करना सदका है। इसके बाद हम लोग जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। नेक्स्ट देखें जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, वाई इज इक्वल टू वन ओवर एक्स माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू थ्री। वही प्रोसेस है जो हम तमाम क्वेश्चन में कर चुके हैं, इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ है। सबसे पहले जो है स्टेप नंबर वन की बात करते हैं, स्टेप नंबर वन आपके पास एफ इंटू एक्स प्लस एच, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे x प्लस एच दर्ज करेंगे, तो ये बनेगा जी वन ओवर x प्लस एच माइनस वन, एक्स की जगह भी दर्ज कर दें थी थ्री, तो ये बनेगा जी वन ओवर थ्री प्लस एच माइनस वन, तो ये बनेगा जी वन ओवर ये थ्री माइनस वन टू हो जाएगा, टू प्लस एच आ जाएगा। तो ये आपके पास स्टेप नंबर वन क्लियर हो चुका। अब स्टेप नंबर टू की बात करते हैं, f ऑफ x, तो एफ ऑफ एक्स जो है ना वो आपके पास बेसिकली ये फंक्शन ही है वन ओवर एक्स माइनस वन, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पुट कर दें थ्री, तो
वन ओवर थ्री माइनस वन ये आ गया जी वन ओवर टू। तो ये आपका स्टेप नंबर टू भी क्लियर हो चुका। अब जनाब हम लोग इसकी स्लोप की बात करते हैं। स्लोप है जी आपके पास m इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो। तो f इंटू x प्लस एच आपके पास ये है जी वन ओवर टू प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स आपके पास है जी वन ओवर टू। ये लिखे जी माइनस वन ओवर टू और बटे में आपके पास आ जाएगा h। उसके बाद यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आप क्या बनेगा लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस एच है, यहाँ पे 2 है, तो ये एलसीएम में आ जाएगा। तो ये एलसीएम में यहाँ पे क्या आएगा जी 2 इंटू 2 प्लस एच। ये जो है ना वो सारा का सारा 2 और 2 प्लस एच एलसीएम में आएगा। 2 जो है ना वो 2 प्लस एच जो है ना वो 2 प्लस एच से कैंसिल, तो बचा 2। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 2, उसके बाद जी माइनस, उसके बाद ये 2 है तो 2 2 से कैंसिल, उसके बाद बचा जी 2 प्लस एच, 2 प्लस एच यहाँ पे बच जाएगा। तो इसको जो है ना आप मजीद सिंप्लीफाई आप लोग कर लेंगे तो लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, टू माइनस एच ओवर टू इंटू टू प्लस एच आ जाएगा। अब देखें जी ऊपर यहाँ पे टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो माइनस एच ओवर टू इंटू टू प्लस एच। यहाँ पे जाना मैं एक चीज़ लिखना, मैं यहाँ पे भूल चुका हूँ, ये जब हमने एलसीएम लिया था उसका बटे में भी एच है, इसके बटे में जो है ना वो एच मैं यहाँ पे लिखना भूल चुका हूँ, ये बटे में भी इसके एच था, यहाँ पे जो है उसके डिनोमिनेटर में भी एच था। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर, क्योंकि ये वाली चीज़ डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये एच के साथ ये आ जाएगा टू एच इंटू टू प्लस एच आ जाएगा। ये आप करेंगे आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद देखें जी ये एच एच के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो माइनस वन ओवर टू इंटू टू प्लस एच। अब देखिए जी अगर मैं यहाँ पे जो है ना वो लिमिट अप्लाई करवाता हूँ एच की जगह पे जीरो पुट करता हूँ, तो ये आपके पास क्या बनेगा जी माइनस वन ओवर टू इंटू टू प्लस जीरो। तो ये आ जाएगा जी माइनस वन ओवर टू इंटू टू, तो ये आपके पास स्लोप आ जाएगी एम इज इक्वल टू माइनस वन ओवर फोर। ये हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 21 भी कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद देखें जी आज के लेक्चर का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है जी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन और पॉइंट उसने दिए हुए एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सेम जो है ना वो प्रोसेस है, सबसे पहले हम जो है ना इसके स्टेप नंबर वन की बात करेंगे। स्टेप नंबर वन है आपके पास एफ इंटू एक्स प्लस एच, तो जहां जहां पे जो है ना वो इस फंक्शन में एक्स है वहां वहां पे एक्स प्लस एच पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा जी एक्स प्लस एच माइनस वन ओवर एक्स प्लस एच प्लस वन। तो जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे जीरो पुट करेंगे, तो ये बनेगा जी जीरो प्लस एच माइनस वन ओवर जीरो प्लस एच प्लस वन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा जी आपके पास एच माइनस वन ओवर एच प्लस वन आ जाएगा। तो ये आपके पास ना स्टेप नंबर वन क्लियर हो चुका है। स्टेप नंबर टू की बात करते हैं। स्टेप नंबर टू आपके पास एफ ऑफ एक्स ही है, तो एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन ही आपके पास बेसिकली एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। तो जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे जीरो पुट करें, तो ये बनेगा जी माइनस वन ओवर वन विच इज इक्वल टू माइनस वन। स्टेप नंबर टू भी क्लियर हो चुका है। अब जनाब हम इसके स्लोप की बात करते हैं। स्लोप होती है एम इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो। तो एफ एंड एक्स प्लस एच हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया जो कि एच माइनस वन ओवर एच प्लस वन है, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वन है तो ये प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, बटे में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एच। उसके बाद यहाँ पे देखें जी क्या बनेगा एम इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो। अब यहाँ पे जाना वो एच प्लस वन क्योंकि डिनोमिनेटर बटे में है, तो ये एलसीएम है यहाँ पे आ जाएगा, जुजाफकल में आएगा। तो एच प्लस वन जुजाफकल जब यहाँ पे लिखेंगे तो एच प्लस वन से कैंसिल, तो ये बचा एच माइनस वन, एच माइनस वन, उसके बाद है जी प्लस, उसके बाद है जी प्लस। तो यहाँ पे क्या बनेगा जी एच वन एच प्लस वन यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, एच प्लस वन आ जाएगा। अच्छा जी, तो और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है जी, डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे एच है। अब देखें जी यहाँ पे क्या बनेगा लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, तो ये माइनस वन प्लस वन से कैंसिल, एच और एच आपके पास बन जाएगा टू एच, ये एच है ओवर। अब ये जो है ना वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कुछ चीज़ें होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये बनेगा जी एच इंटू एच प्लस वन, ये इसको इकट्ठे लिख दिया हम लोगों ने। एच जब एच के साथ कैंसिल होगा तो ये बनेगा जी टू ओवर एच प्लस वन लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो। अब जाना जब आप लोग लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा जी टू ओवर जीरो प्लस वन विच इज इक्वल टू टू ओवर वन। तो एम यानी कि स्लोप आपके पास की आ जाएगी टू। तो यही था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। अगर आपको वीडियो का एक पॉइंट पर अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाजमी किया करें। सब्सक्राइब करने से जाना वो हम चाहते हैं कि मजीद आपके लिए वीडियोज लेके आएँ।
अगर आपको कोई क्यूरी होती है, कहीं समझ नहीं आती है, आप लोग जानो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा आप लोग जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ पर जो है व्हाट्सएप नंबर भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मेरा एक दूसरा चैनल भी है, वहाँ पर चैनल हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा, उसको भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।